गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। एंड इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और पीरियोडिक टेबल के बारे में आज हम कुछ इंफॉर्मेशन लेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे मोस्टली, तो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा और 10th क्लास के अंदर भी आपने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में पढ़ लिया होगा। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है? इट इज वेरी इजी दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शंस टू देयर एटॉमिक नंबर। दिस इज द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, उसके पीरियोडिक फंक्शंस होगी किसके? उनके एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शंस होगी। इसका मतलब अगर हम पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, किसी भी एलिमेंट को, एलिमेंट्स को हम जब हम पीरियोडिक टेबल में उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम अरेंज करते हैं, तो डेफिनेट इंटरवल के बाद में एलिमेंट्स क्या करते हैं? अपनी केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। वो सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। जैसे एक ग्रुप के अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, दूसरे ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं वो पहले ग्रुप से डिफरेंट टाइप की केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो दिस इज द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इट इज वेरी इजी, यू हैव टू रिमेंबर दिस मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एज इट इज, जैसे लिखा हुआ वैसे ही आपको याद करना है। बहुत सिंपल है, वैसे 10th क्लास में आपने सीख लिया होगा। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शंस टू देयर एटॉमिक नंबर। ये ध्यान रखना आपको, एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शंस होती है। तो पीरियोडिक फंक्शंस, एटॉमिक नंबर, ये क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग अभी हमने बताया कि जैसे हम पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग उनको अरेंज करते हैं, तो डेफिनेट इंटरवल के बाद में सेम ग्रुप में जो एलिमेंट्स आते हैं वो सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। और उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है उसमें क्या होती है? एक पीरियोडिसिटी भी होती है। पीरियोडिसिटी का मतलब होता है, जैसे आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि किसी भी ग्रुप में जैसे हम अप टू डाउन आते हैं, ग्रुप में जैसे हम अप टू डाउन आते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है। एटॉमिक साइज जनरली क्या होता है? बढ़ता है, एक जनरल ट्रेंड है। तो यही क्या है? पीरियोडिसिटी या पीरियोडिक फंक्शंस। और इसी टाइप से जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, इन ए पीरियड व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, देन जनरली एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो ये सारे क्या है? सारे पीरियोडिसिटीज है। तो आई थिंक दिस कंसेप्ट इज वेरी क्लियर, समझ में आया होगा आपको। तो चलिए हम देख लेते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। वैसे आप सभी लोगों ने पीरियोडिक टेबल देखी होगी। दिस इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये क्या बच्चों? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इट इज एक्चुअली लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो मोजले ने दी थी, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। So in the periodic table there are 118 elements, 118 elements known till date. अभी तक 118 elements हमें पता चल गया है और 118 elements को इस periodic table के अंदर arrange किया हुआ है। तो इन 118 elements को उनकी chemical property और उनकी physical property के basis पे उनको अलग अलग group में, अलग अलग periods के अंदर रखा हुआ है, उनको अलग अलग group में रखा है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स एक जैसी केमिकल प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। इस वजह से पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखा, एटॉमिक नंबर में रखा है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है, एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। दूसरा क्या है कि पर्टिकुलर ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स आते हैं वो क्या करते हैं? सेम केमिकल प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट है कि ग्रुप्स क्या होते हैं, पीरियड्स क्या होते हैं, ये आप लोगों ने 10th क्लास में सीखा होगा। अगर आप लोगों को नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है बच्चों उसके अंदर 18 ग्रुप है। कितने ग्रुप है? देर आर 18 ग्रुप्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।
एंड देर आर सेवन पीरियड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सेवन पीरियड्स है और 18 ग्रुप्स है। अब ग्रुप्स क्या होते हैं? ग्रुप्स आर द वर्टिकल, दिस इज द वर्टिकल कॉलम। जो वर्टिकल कॉलम है उन सबको हम क्या कहते हैं? ग्रुप्स कहते हैं। जैसे ये है पूरा, ये एक ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, ये तीसरा ग्रुप है, ये चौथा ग्रुप है, ये पांचवा ग्रुप है, ये छठा ग्रुप है। तो ऐसे ये सारे चलते जाएंगे। आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर। तो ये फर्स्ट पीरियड है बच्चों, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन, सेवनटीन और एटीन। तो जैसा कि लिखा हुआ है इसमें पीरियडिक टेबल में, तो आप लोग इसको देख पा रहे होंगे अच्छे से। अब सेवन पीरियड्स होते हैं। अब सेवन पीरियड्स क्या होते हैं बच्चों? हॉरिजेंटल रोज। हॉरिजेंटल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स। पीरियड्स क्या होते हैं? हॉरिजेंटल रोज होते हैं, ठीक है। तो अब हॉरिजेंटल रोज में देखो, ये फर्स्ट है, दिस इज द फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड। तो ये फर्स्ट पीरियड देखो, ये फर्स्ट पीरियड। तो फर्स्ट पीरियड में सिर्फ हमें दो एलिमेंट नजर आते हैं, एक तो हीलियम है और एक हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन एंड हीलियम, दीज टू एलिमेंट्स आर देयर इन फर्स्ट पीरियड। दिस इज द थर्ड पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास में? सेवन पीरियड्स हो गए। अब इन सेवन पीरियड्स में ध्यान देंगे आप लोग, तो जो फर्स्ट टू, फर्स्ट एंड सेकेंड, ये जो फर्स्ट टू ग्रुप्स है बच्चों, फर्स्ट टू ग्रुप्स, इसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक। तो पूरी पीरियडिक टेबल को चार ब्लॉक के अंदर डिवाइड किया हुआ है। कितनी ब्लॉक में बच्चों? चार ब्लॉक के अंदर डिवाइड किया हुआ है पूरी पीरियडिक टेबल में। तो पूरी पीरियडिक टेबल को सिर्फ चार ही ब्लॉक के अंदर डिवाइड कर दिया है। पीरियडिक टेबल में कितने ब्लॉक हैं बच्चों? चार ब्लॉक है। कौन कौन से हैं? आप सभी को पता होगा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो पूरी पीरियडिक टेबल को चार ब्लॉक के अंदर डिवाइड किया हुआ है। एस ब्लॉक के एलिमेंट होंगे ग्रुप नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। ग्रुप नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड आर एस ब्लॉक एलिमेंट। ये देखो ग्रुप नंबर वन एंड टू, ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। ग्रुप नंबर थ्री, ग्रुप नंबर थ्री टू ग्रुप नंबर ट्वेल्व, ग्रुप नंबर थ्री टू ग्रुप नंबर ट्वेल्व, ये कौन से एलिमेंट है बच्चों? दीज आर द डी ब्लॉक एलिमेंट। कौन से हैं ये? डी ब्लॉक एलिमेंट। इसी टाइप से पीरियड ग्रुप नंबर थर्टीन टू, ग्रुप नंबर थर्टीन टू एटीन, ये ग्रुप नंबर थर्टीन, थर्टीन टू एटीन, ये यहाँ तक एटीन, ये जो एलिमेंट है ये कौन से हैं बच्चों? पी ब्लॉक एलिमेंट है। दीज आर द पी ब्लॉक एलिमेंट। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट कहाँ है हमारी पीरियडिक टेबल में? पीरियडिक टेबल में एफ ब्लॉक एलिमेंट को नीचे स्पेस दिया है, नीचे जगह में इसको रखा है। तो ये देखो, ये दो जो आपको हॉरिजॉन्टल रोज नजर आ रही है, एक तो ये ग्रीन कलर की, ग्रीनिश कलर की, और एक ये पिंकिश कलर की, ये दो जो रो नजर आ रही है आपको, ये दोनों क्या है बच्चों? ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है। ये क्या है? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो टोटल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास में? 28 एलिमेंट्स है एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट में भी देखो दो सीरीज है। कौन कौन सी सीरीज है? एक सीरीज है लैंथेनॉइड सीरीज, दूसरी है एक्टिनॉइड सीरीज। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट में दो सीरीज चलती है, एक सीरीज होती है लैंथेनॉइड सीरीज, दूसरी होती है एक्टिनॉइड सीरीज। तो लैंथेनॉइड सीरीज क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि लैंथेनम के बाद में आने वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्या मैंने बोला बच्चों? लेंथेनम जिसका एटॉमिक नंबर 57 है, लेंथेनम जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 57। इसके बाद में जो भी एलिमेंट आएंगे, मतलब 58 टू 71, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए? 14 एलिमेंट हो गए। अब ये जो 14 एलिमेंट हैं ये किस में जाएंगे? लेंथेनॉइड सीरीज के अंदर ये सारे एलिमेंट फिल होंगे, मतलब ये लेंथेनॉइड एलिमेंट्स कहलाते हैं। कौन से? एलिमेंट नंबर 58 टू 71, टोटल 14 एलिमेंट हो गए। तो लेंथेनम के बाद में आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन, वो किस में फिल होता है? वो एफ
ऑर्बिटल्स के अंदर फिल्ड होते हैं, एफ ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन फील्ड होता है। तो एफ ऑर्बिटल्स टोटल कितने हैं आपको पता होगा, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं एफ के। तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फील्ड कर सकते हैं, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं तो मैक्सिमम में कितने इलेक्ट्रॉन फील्ड कर सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स फील्ड कर सकते हैं, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फील्ड कर सकते हैं। तो 7 में कितने कर पाएंगे हम, 7 में कितने कर पाएंगे हम, 14 एलिमेंट्स इसको अरेंज कर पाएंगे आराम से। तो आपको मैं बता देता हूँ बच्चों कि पीरियोडिक टेबल में जो मैक्सिमम एलिमेंट्स है हमारे पास में, तो यस, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टर्म, हाउ टू मेमोराइज दिस एलिमेंट। ये एलिमेंट है ना, इनको याद करना भी बहुत जरूरी है। पीरियोडिक टेबल में इन एलिमेंट्स को याद करना जरूरी है। तो इन एलिमेंट्स को याद कैसे करें, उनकी भी हमारे पास में एक ट्रिक है, तो वो ट्रिक भी हम समझेंगे, उसको भी हम समझेंगे ताकि आपको कितने एलिमेंट्स याद हो जाए, ये इतने पूरे एलिमेंट्स क्या हो जाए, याद हो जाए। बहुत ही सिंपल है, ये इतने एलिमेंट्स आपको, ये इतने सारे एलिमेंट्स आपको याद हो जाएंगे। ये इतने एलिमेंट्स आपको याद हो गए तो फिर एफ ब्लॉक एलिमेंट तो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद करने लायक नहीं है। कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं जिसके एटॉमिक नंबर आपको याद रखने होंगे, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ही है इसमें एलिमेंट, सारे एलिमेंट नहीं है सारे एलिमेंट। तो ये जो अभी आपने बताया ना, एस ब्लॉक एलिमेंट आपको पूरे याद होने चाहिए, डी ब्लॉक एलिमेंट पूरे याद होने चाहिए, और साथ में जो पी ब्लॉक एलिमेंट है वो पूरे आपको याद होने चाहिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम। तो जो एस ब्लॉक एलिमेंट है बच्चों, तो एस ब्लॉक एलिमेंट को, इनको नाम क्यों पड़ा यहाँ पे एस ब्लॉक एलिमेंट, इनकी जो ट्रिक है मैं सबसे लास्ट में बता दूंगा बच्चों आपको याद करने की ट्रिक, आज ही बताऊंगा। तो ये जो एलिमेंट्स है ना बच्चों, ग्रुप नंबर 1 एंड 2, इनको हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। सो व्हाई दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट, बिकॉज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स आउट लास्ट इलेक्ट्रॉन जो फील होता है वो एस सब सेल के अंदर फील होता है। किस में फील होता है, वो एस सब सेल में फील होता है, और एस सब सेल में फील होने की वजह से इन फर्स्ट टू ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, बिकॉज द लास्ट इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन फील्ड इन द एस सब सेल। अब ये जो फर्स्ट सेल है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हम क्या लिखते हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इनका NS1। क्या है इनका, NS1। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फॉर ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट इज NS1। और जो ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट है ना, सारे एलिमेंट्स, ये सारे मेटेलिक मेटल होते हैं, ये सारे मेटल होते हैं बच्चों, ये सारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। अब ये जो सारे मेटल्स हैं ना बच्चों, तो अब इनका मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आप लोगों को बता दिया, NS1 होता है। तो ये सारे मेटल्स है तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, और क्या बनाते हैं बच्चों, केटायन बनाते हैं। आप सभी लोगों को पता होगा, जैसे आप लोगों ने NaCl का ऐसा आपने सुना होगा एग्जाम्पल बचपन में, NaCl सोल्ट होता है, जब इसको पानी के अंदर डिजोल्व करते हैं तो ये Na+ में एंड Cl- नेगेटिव के अंदर डिसोसिएट हो जाता है। यहाँ पे Na+, यहाँ पे क्या बच्चों, ये सोडियम क्या है, सोडियम केटायन है। अब ये सोडियम केटायन कैसे बनता है, जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, तो Na+ बनता है। ये सिंपल कंसेप्ट है, आप सभी लोगों को पता होगा। तो जो एस ब्लॉक के एलिमेंट है ना बच्चों, एस ब्लॉक में भी ग्रुप फर्स्ट के जो भी एलिमेंट है, ग्रुप फर्स्ट के जो भी एलिमेंट है उनको बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल। क्या बोलते हैं इनको हम, एल्कली अर्थ मेटल। तो फर्स्ट द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट आर कॉल्ड एल्कली अर्थ मेटल्स। ये सारे एलिमेंट्स है ना, ये इनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का मतलब है इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, लगभग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। कुछ कुछ केमिकल प्रॉपर्टी अलग हो सकती है, लेकिन इनकी जो 70-80% केमिकल प्रॉपर्टी होती है ना, वो सेम ही होती है। तो इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। इसी टाइप से ग्रुप सेकंड के जो एलिमेंट्स हैं,
इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चों, अगर आप सभी लोगों को पता हो तो जल्दी से चैट बॉक्स में भी लिख के बता दो क्या होता है इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यस, सो द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप सेकंड आर कॉल्ड एल्कली अर्थ मेटल एंड द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्कली अर्थ मेटल आर NH2। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NH2 होता है, इनका NH2 होगा, ठीक है। ये ग्रुप सेकंड की बात हो गई। अब हम देख लेते हैं ये फर्स्ट और सेकंड दोनों ग्रुप मिला के कौन से हैं, एच ब्लॉक एलिमेंट। तो इसके बाद में हम देख लेते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट को। तो पी ब्लॉक एलिमेंट हमारे स्टार्ट होते हैं ग्रुप नंबर 13 से और ग्रुप नंबर 18 तक रहते हैं ग्रुप पी ब्लॉक एलिमेंट। और पी ब्लॉक एलिमेंट में हमें मेटल भी मिलेंगे, इसमें हमें मेटल्स भी मिलते हैं, इसमें नॉन मेटल भी मिलते हैं हमें, और साथ में और क्या मिलते हैं इनमें हमें, मेटेडोइड्स भी मिलते हैं। तो मेटल, नॉन मेटल और मेटेडोइड्स तीनों मिलेंगे हमें ग्रुप नंबर 13 to 18 के अंदर। अब जो ग्रुप नंबर 13 है इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो इनको हम बोलते हैं बच्चों पी ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं इनको हम? पी ब्लॉक एलिमेंट। अब इनको पी ब्लॉक एलिमेंट बोलने का रीजन क्या है, पहले भी हमने बताया था कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो किस में जाता है, पी सबसेल में जाता है। तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP1 to 6 इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द ग्रुप 13 to 18 एलिमेंट्स। 13 to 18 एलिमेंट्स है ना जितने भी, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम? पी ब्लॉक एलिमेंट। तो पी ब्लॉक एलिमेंट का ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP1 to 6। यहाँ पे N क्या है बता सकते हैं आप? यहाँ पे N क्या है? N इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। N क्या होती है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है। और ये N क्या रिप्रेजेंट करती है? ये रिप्रेजेंट करती है सेल को। क्या रिप्रेजेंट करेगी? सेल को, एनर्जी लेवल को। और पीरियोडिक टेबल के केस में किसको रिप्रेजेंट करेगी? नंबर ऑफ पीरियड को। नंबर ऑफ पीरियड, कौन से पीरियड का एलिमेंट है उसको रिप्रेजेंट करेगी। जैसे मैं लिखता हूँ कोई एक एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया मैंने 2s2। क्या लिख दिया मैंने? 2s2 2p6। मैंने लिख क्या लिखा बच्चों? 2s2 2p6। देखो ये NH2NP NH2N 1 to 6 है ना, तो मैंने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है 2s2 2p6। यहाँ आगे इसके आगे 1s2 तो आएगा ही आएगा, ठीक है, वो तो आना जरूरी है। तो ये मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1s2 2s2 2p6। अब ये इससे मतलब है मैं बच्चों, ये जो है ना, ये हमारे पास में क्या है? वैलेंस सेल है। क्या है? वैलेंस सेल। अब आपको ये पता होना चाहिए वैलेंस सेल क्या होता है। किसी भी एटम में वैलेंस सेल होता है आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल ऑफ एनी एटम इज कॉल्ड वैलेंस सेल। जैसे एक एटम बनाया मैंने, एक एटम है बच्चों, और इस एटम में अलग अलग ये क्या है? सेल है। सेल बोलो या फिर इसको एनर्जी लेवल बोलो या इसको आप क्या बोलो, पीरियड्स बोलो, सॉरी एनर्जी लेवल बोल सकते हो, सेल बोल सकते हो, या इसको क्या बोल सकते हो, ऑर्बिट्स बोल सकते हो। इसके लिए n इक्वल टू 1 है, इसके लिए n इक्वल टू 1 है, इसके लिए n इक्वल टू 2 है, और इसके लिए क्या है? n इक्वल टू 3 है, ठीक है। अब देखो अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2NP6, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ फिल हुए हैं? सेकेंड ऑर्बिट में फिल हुए हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें फिल हुए हैं, ये सेकेंड ऑर्बिट है। तो सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स फिल हुए, इसका मतलब ये जो एलिमेंट्स है ये कौन से हैं, कौन से पीरियड का एलिमेंट है? ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। तो पहले भी मैंने बताया था कि किसी भी एटम में एन नंबर ऑफ सेल हो सकते हैं। तो एन नंबर ऑफ सेल होने का मतलब ये नहीं है कि सारे सेल में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे सबसे पहले वाले सेल में, वो अगर पूरा फिल हो जाएगा तो सेकेंड सेल की बारी आएगी, वो अगर पूरा फिल हो जाएगा तब थर्ड की बारी आएगी, थर्ड भी अगर पूरा फिल हो जाता है इलेक्ट्रॉन से तो फोर्थ सेल की बारी आती है। ऐसे ही किसी भी एटम के अंदर एन नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हो सकते हैं। तो एन नंबर ऑफ ऑर्बिट है, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे उस एलिमेंट की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही एलिमेंट्स होंगे। जैसे मैं यहाँ पे ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है किसके लिए, देखो 1s2 2s2 2p6 लिखा है, तो ये एटॉमिक नंबर 10 के लिए लिखा है मैंने, नियोन के लिए लिखा। और जो नियोन है ना वो पी ब्लॉक एलिमेंट है, ये देखो ये रहा, ये इसके लिए मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा। एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 10 है।
अभी एटॉमिक नंबर 10 है, तो इसके अंदर एन नंबर ऑफ क्या होंगे, ऑर्बिट्स होंगे। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, या भी सेकेंड ऑर्बिट है तो सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। नाइट्रोजन नियॉन के केस में 8 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 1 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे सेकेंड ऑर्बिट में। अब इसमें थर्ड ऑर्बिट भी होगा, ये थर्ड ऑर्बिट भी है, इसमें फोर्थ ऑर्बिट भी होगा, फिफ्थ भी होगा, सिक्स भी होगा, सेवन्थ भी होगा, ये सारे सेल्स भी होंगे इसमें। तो सारे सेल्स या ऑर्बिट क्या होंगे, वो सारे एम्प्टी होंगे, वो सारे खाली होंगे, ऑर्बिट होंगे, सेल होंगे इसके अंदर, लेकिन सारे क्या होंगे, वो खाली होंगे। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ गए, फर्स्ट और सेकेंड ऑर्बिट में आ गए। अब नियोन के केस में ये जो सेकेंड ऑर्बिट है ना, इस सेकेंड ऑर्बिट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, वैलेंस सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? वैलेंस सेल। अब इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंस सेल के अंदर फिल होता है तो इनको हम क्या बोलते हैं, ये देखो इसके लिए वैलेंस, ये जो 2p है ना, ये 2p और यहाँ पे ये मैंने नंबर लगाया 6, ये 6 क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन फिल किया है। अब ये जो 2p है ना बच्चों, ये वैलेंस ऑर्बिटल है, वैलेंस सेल के अंदर क्या होते हैं, वैलेंस ऑर्बिटल्स होंगे। सबसे पहले तो वैलेंस सेल का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा आपको, वैलेंस सेल के अंदर क्या होंगे मेरे, आपको क्या मिलेंगे, वैलेंस सब सेल मिलेंगे। वैलेंस सब सेल के अंदर आपको क्या मिलेंगे, वैलेंस ऑर्बिटल मिलेंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। तो पी ऑर्बिटल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं और पी के अंदर फिल हो रहे हैं। इस वजह से ये जो नियॉन है ये कौन सा है, ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है। आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको, समझ में आ गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, तो जैसे ये अभी मैंने बताया, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हमने लिखा है, ये किसके लिए लिखा है मैंने, पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए कंबाइंड लिखा है। अगर मुझे सिर्फ ग्रुप नंबर 13 के लिए लिखना हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तो कैसे लिखूंगा मैं, सिर्फ ग्रुप नंबर 13 के लिए लिखना है मुझे, तो ग्रुप नंबर 13 के लिए लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, NS2 NP1, ये ग्रुप नंबर 13 के लिए, ये ग्रुप नंबर 13 है ना, जिसको हम बोलते हैं बोरोन फैमिली। क्या कहते हैं? बोरोन फैमिली, आलू गोभी बैंगन आलू गोभी इन थैला। अभी मैं ट्रिक बताऊंगा इसको याद करने की। और ये जो ग्रुप नंबर 14 है, इसके लिए इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन लिखेंगे तो इसके लिए लिखेंगे NS2 NP2। इसी टाइप से ग्रुप नंबर 15 है, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, NS2 NP3। इसी टाइप से ग्रुप नंबर 15 के लिए हमने लिख दिया, ग्रुप नंबर 16 17 और 18 आप लिख के बताओ, ग्रुप नंबर 16 का क्या लिखेंगे, NS2 NP4। 17 के लिए क्या लिखेंगे, NS2 NP5। और ग्रुप नंबर 18 के लिए क्या लिखेंगे हम, NS2 NP6। तो ये हो गया इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ग्रुप फॉर ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 18। और अगर हमें कंबाइन लिखना हो पूरे पी ब्लॉक एलिमेंट का, पूरे पी ब्लॉक एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक होते हैं, ग्रुप नंबर 13 to 18 तक पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, और उसका कंबाइन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना है तो NS2 NP1 to 6 से हम लिख सकते हैं। आई थिंक दिस कंसेप्ट इज वेरी क्लियर, समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को ये कंसेप्ट। यस, तो ग्रुप नंबर 13 टू 18 हमने देख लिए, अब हम देख लेते हैं ग्रुप ब्लॉक नंबर 3 to 12। तो ब्लॉक नंबर 3 to 12 कौन से हैं एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट है। अब इनको डी ब्लॉक एलिमेंट कहने का रीजन आप लोग बता सकते होंगे, ये सारे डी ब्लॉक एलिमेंट है। इनको डी ब्लॉक एलिमेंट कहने का रीजन है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें फिल होता है, डी सब सेल के अंदर, डी ऑर्बिटल्स के अंदर फिल होता है। डी ऑर्बिटल्स में अगर इलेक्ट्रॉन फिल होता है तो उनको हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। अब इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में बता देता हूँ, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट, ये सारे हमारे सिलेबस में है बच्चों। तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगा N-1 D 1 to 10 एंड NS2 NS
टू, दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, ये आपको याद रखना बच्चों, एन माइनस वन, डी वन टू टेन एंड एन एस टू। आप बता सकते हैं यहाँ पे एन क्या है, यहाँ पे एन क्या है, एन इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये क्या है बच्चों, एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये जो डी है ये क्या है, डी क्या है यहाँ पे, डी ऑर्बिटल्स की बात हो रही है, तो डी ऑर्बिटल्स में एक से लगकर 10 एलिमेंट, एक से लगकर 10 इलेक्ट्रॉन तक हम फिल कर सकते हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी डी डी ऑर्बिटल्स की 10 इलेक्ट्रॉन रखने की होती है, डी ऑर्बिटल्स के अंदर मतलब 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी सब सेल के अंदर, डी जो सब सेल है ना बच्चों उसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 5 ऑर्बिट, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो 5 ऑर्बिटल में कितने रख सकते हैं हम, 10 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं, ये है एन एच टू, यहाँ पे एन यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो चलिए इसके लिए अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एन माइनस वन डी वन और फिर एन एच टू, इसी टाइप से इसके लिए एन माइनस वन डी टू और एन एच टू, ऐसे ये सारा इनका चलता रहेगा और 10 तक ये यहाँ पे चलते रहेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चों, ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट को एक और नाम से भी जानते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट को हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, क्या कहते हैं हम, ट्रांजिशन एलिमेंट, देखो कितना अच्छा नाम है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब डी ब्लॉक एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं, क्या रीजन है डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहने का, कि इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिल होता है ना बच्चों, वो पेनल्टीमेट ऑर्बिटल के अंदर फिल्ड होता है, पेनल्टीमेट ऑर्बिटल्स। अब ये क्या वर्ड है भाई, ये पेनल्टीमेट क्या है, तो पेनल्टीमेट का मतलब होता है सेकंड लास्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होता है बच्चों, सेकंड लास्ट ऑर्बिटल में, उसको हम बोलते हैं पेनल्टीमेट ऑर्बिटल। जैसे मैं बनाता हूँ यहाँ पे एक छोटा सा आइटम की स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, ये दो सेल बना लिए, ये मैंने तीसरा सेल बना दिया, ये मैंने तीसरा सेल बना दिया, ठीक है, ये हो गया n इक्वल टू वन, ये हो गया n इक्वल टू टू और ये हो गया तीसरा n इक्वल टू थ्री। अब देखो यहाँ पे, और यहाँ पे एक और मैं बना देता हूँ, n इक्वल टू फोर भी बना देता हूँ, n इक्वल टू फोर बना दिया मैंने। अब देखो, अब अगर किसी n की वैल्यू अगर 4 है, n की वैल्यू क्या है बच्चों, n की वैल्यू है 4, अब मैंने n यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, n यहाँ पे है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब यहाँ पे n की जो वैल्यू है ना वो क्या रिप्रेजेंट करती है, पहले भी हमने बताया था कि n की वैल्यू रिप्रेजेंट करती है यहाँ पे पीरियड्स को रिप्रेजेंट करती है। अगर आपको पता चले कि एक एलिमेंट है जिसको मैं x से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखा मैंने 3d5 4s2, क्या लिख दिया मैंने 3d5 4s2, तो ये जो एलिमेंट है ना बच्चों, ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है, कौन से पीरियड का एलिमेंट है, बता सकते हैं आप, हाँ बता सकते हैं हम, इसको आराम से बता सकते हैं, कैसे बताएंगे ध्यान देना इधर, तो इसको बताने का एक ही तरीका है कि जो ये है ना, ये n, n की वैल्यू देख लो आप, तो ये लास्ट जो n लिखा हुआ ना, ये इसकी वैल्यू देख लो, तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 4 है, इसका मतलब ये जो एलिमेंट है ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, तो फोर्थ पीरियड देखो, ये फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड और ये फोर्थ पीरियड, ये फोर्थ पीरियड हो गए, चार पीरियड हो गए, आई मीन चार पीरियड में से चौथे पीरियड का ये एलिमेंट है। अब चौथे पीरियड में भी कौन सा है ये, अब देखो अभी मैंने बताया था ना कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनकी क्या खास होते हैं, क्या खासियत होती है ये, वन मिनट डियर स्टूडेंट, यस, तो जैसा भी हमने बताया कि जो x इसका 3d5 एंड 4s2 लिखा है, इसका मतलब इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है, फोर्थ पीरियड का, तो ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है। अब ये देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके लिए ये है, देखो n माइनस वन, ये देखो n माइनस वन डी, तो n की वैल्यू हमारे पास में 4 है, तो n माइनस वन में कर दूंगा, n की वैल्यू मेरे पास क्या है बच्चों, 4 है, तो अगर मैं n माइनस वन करता हूँ तो क्या आएगा मेरे पास में, 3 आएगा ना,
इसका मतलब ये थ्री डी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, और कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, पांच इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तो इसके लिए थ्री डी वन होता है, ये वन है, ये टू है, थ्री है, और ये होगा यहाँ पे बच्चों इसके लिए फाइव। देखो यहाँ पे वन टू, वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, अब देखो फोर नहीं आया। ये जो एलिमेंट्स है ना क्रोमियम, क्रोमियम इसके लिए हम 3d5 लिखते हैं। इसका रीजन भी मैं बताऊंगा, क्योंकि हाफ फील्ड ऑर्बिटल और फुली फील्ड ऑर्बिटल का स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए सॉरी सॉरी, ये जो 3d5 1 4 s2 है ना, ये इसके लिए मैंगनीज के लिए, इसके लिए 3d5 एंड 4 s1 होता है। ये इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है 3d5 एंड 4 s2। इसके लिए भी 3d5 होता है, इसके लिए भी 3d5 स्ट्रक्चर है, इसके लिए भी 3d5 स्ट्रक्चर है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो 3d5 आया है वो इसके लिए आया है, इसके लिए आया है।